गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं दीपा सिंह। बच्चों, आज हम SST का चैप्टर 9 पढ़ेंगे, मेजर लैंडफॉर्म। मींस आपके जो पृथ्वी के प्रमुख स्थलाकृतियाँ कौन सी हैं, भू आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी पृथ्वी की जो सतह है, वो हमारी पृथ्वी जो है कैसे बनी हुई है। पृथ्वी का जो आपका जो भाग है, वो पानी और भूमि से मिलकर के बना हुआ है। मतलब कि इस सतह पे क्या है, पानी भी है और भूमि स्थल भी है, जिसमें कि आपका जो 71% भाग जो है वो हमारा क्या है, पानी से घिरा हुआ है, जो हमारा भूमि का भूमि की सतह है। और जो आपका 29% जो प्लेस बचता है वो आपकी भूमि का है, ठीक है। और बच्चों बताना चाहेंगे कि आपके और इसके अलावा और कई चीजें हैं जो कि जो बचा हुआ 100% जो बचता है वो अन्य जो आती है हमारे पृथ्वी की सतह पे। फिर आपका जो पृथ्वी का हमारा जो मुख्य धरातली भाग है, उनमें से मुख्य धरातली भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, महाद्वीप कहते हैं, जो सबसे बड़ा भाग है। इसके बाद इसका जो हमारे पृथ्वी का मुख्य बड़ा पानी वाला भाग होता है, उसको क्या ओशियंस बोलते हैं, जो महासागरों में हमारे काउंट किया जाता है। और हमारे सरफेस में जो है कई तरह के जो आपके फ्लैट्स हैं, सतह वाली जगह हैं, ये सब हमारे जो है उस और उस सतह वाली जगह में पृथ्वी में क्या है, माउंटेन्स आते हैं आपके, प्लेट्यूज मतलब पर्वत हैं, पहाड़ हैं, और मैदानी क्षेत्र हैं, रेगिस्तान एरिया है, नदियां हैं, घाटियां, ये सारी क्या है उसी में समाहित है, उसी में आती है। तो आज बच्चों हम आप इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले माउंटेन्स पढ़ेंगे, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, रिवर एंड वैलीज पढ़ेंगे, ओके। तो आप जो माउंटेन्स पढ़ेंगे, माउंटेन्स क्या है, जो हमारा भूमि का पर्वत एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत अधिक क्या है, बहुत अधिक पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ों को क्या है, जो पर्वत ऐसे होते हैं जो चारों तरफ क्या है घिरे होते हैं, भूमि को क्या है घेरे रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं पर्वत बोलते हैं। ये जो पर्वत हमारे बनते हैं, ये क्या खड़ी ढलानों पे बनते हैं और ये कैसे घुमावदार होते हैं, ठीक है। उन पर्वतों में से मुख्य पर्वत कौन कौन से, इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन, मतलब पर्वतों के प्रकार कौन कौन से। सबसे पहला फोल्ड माउंटेन, मतलब क्या है, जो इनको आप कह सकते हैं फोल्ड या तो मुड़े हुए मोड़दार पर्वत या तो वलय पर्वत कहते हैं। ये पर्वत जो मुख्यतः है, जो सभी प्रकार के पर्वतों में से क्या है मुख्य पर्वत है, ये मुख्य पर्वत माने गए। ये हमारे हिमालय के एशिया और अल्पास में जो है मुख्यतः पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपका यूरोप का जो पर्वत है वो यहीं पे आते हैं। इनके ये पर्वत कैसे बनते हैं, ये विवर्तनिक प्लेटें जो आपस में क्या है पृथ्वी के अंदर जो है जब भूचल होता है तो विवर्तनिक प्लेटें क्या आपस में टकराती हैं, और इनके टकराने से क्या है इन पर जो यहाँ से क्रश पपड़ी निकलती है, तो इनसे क्या है इन पर्वतों का निर्माण होता है। सेकेंड थिंग आपका है ब्लॉक पर्वत, ठीक, ये ब्लॉक पर्वत है। ये पर्वत जो होते हैं, ये जब इन पर्वतों का निर्माण जब होता है, जब ये क्या है पृथ्वी के अंदर क्या है, जो पृथ्वी के अंदर ही जो सतह में द्रव्यमान होता है, आंतरिक सतह में जो द्रव्यमान होता है और अधिक होने के कारण जो है इनमें क्या है आपस में दरारें पड़ने लगती है। पृथ्वी के अंदर जब दरारें पड़ती हैं तो इन पर्वतों का क्या है निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपका इसमें जो पर्वत है सीरिया नेवादा माउंटेन है, जो अमेरिका में पाया जाता है, ये आपका ब्लॉक पर्वत, ओके। फिर है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन, मतलब ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ये होता है जिनमें क्या ज्वालामुखी जब वो है जिसमें क्या जब उद्गार होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो विस्फोट के कारण क्या है सारी जो अंदर की जो चीजें हैं वो बाहर आती हैं और ये क्या सब तरफ फैल जाती है। फैलने के कारण क्या है, जब ये फैलती है तो क्या ये पर्वतों का रूप ले लेती है। उनमें से जो आपका एग्जाम्पल के रूप में है वो आपका माउंट फ्यूजी जो है जो जापान में है, तो वहां पे इस तरह के पर्वत जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन्स जो ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन, जो पर्वत है इनका महत्व क्या है हमारे लाइफ में, इनसे हमें क्या जो है प्राप्त होता है।
जैसे कि आपके यहाँ पे जो बताना चाहेंगे कि मौसम जब बदलता है तो बहुत सारे ठंडी हवाएं आती हैं, गर्म हवाएं आती हैं, तो इन सब ठंडी और गर्म हवाओं को कौन रोकता है? पर्वत रोकता है इनको आने से, हमारे तरफ जो है कई सारी समस्याओं का समाधान भी करता है, ठीक है। और जब हमारे यहाँ जब नदियाँ बनती हैं तो ये अपने साथ क्या बहुत सारा क्या पानी लेकर के आती हैं, जिससे क्या हमें सिंचाई में हेल्प मिलती है। और इसके साथ साथ जो इन पर्वतों का ये मात्र है कि जब ये नदियाँ आती हैं पर्वतों से, तो नदियों के साथ साथ इसमें क्या है, ये लोग इनमें सिल्ट, बहुत सारे सिल्ट है और मिनरल्स जो है लेकर के आते हैं। नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे प्लेटियूज, जो पठार हमारे हैं वो कौन कौन से हैं। तो प्लेटियूज में सबसे जो हमारा क्या है, ये सबसे हमारा लैंडफॉर्म भूमि का स्थल है, भूमि स्थल है। इसमें से आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो जलवायु है वो पठारों को क्या ठंडा रखती है। इसमें से आपके जो मुख्य कौन कौन से पठार आते हैं, और ये पठार जो है सारी चारों तरफ से क्या भूमि को घेरे रहते हैं, पठार जब ये बनते हैं। इनमें से आपका सबसे ज़रा जो बड़ा पार्ट है वो है एशिया का, साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया का ये जो पठार है ये आते हैं। इनमें से फिर आपको बताना चाहेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटियूज, सॉरी यहाँ माउंटेन मैंने कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो इसमें इनका क्या पठारों का क्या महत्व है, तो प्लेटियूज जो है कि वो अपने साथ ये भी इनके साथ भी बहुत सारे खनिज ये अपने साथ लेकर के आते हैं, जिनमें कि क्या हमारा इंडिया का जो डक्कन का पठार है वो उनसे हमको क्या बहुत सारे खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। सेकेंड थिंग क्या होगा कि यहाँ पे इन पठारी भागों में क्या है बहुत सारे जो है पशुपालन होता है, जिन पशुपालन से क्या है कि ग्रासलैंड काफ़ी है, मैदानी क्षेत्र है, तो उनमें क्या घास बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या पशुपालन अच्छे से कर पाते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा इन पठारों में क्या काली मिट्टी प्राप्त होती है, प्रायद्वीप जो हमारा पठार है तो वहाँ पे काली मिट्टी हम लोगों को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है, जिससे क्या है हमारे इंडिया की जो खेती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसमें क्या हम लोग कौन सी खेती ज़्यादा बहुत अच्छी होती है, कॉटन की होती है और शुगर केन, मतलब गन्ना और जो कपास की खेती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है। फिर हम पढ़ेंगे प्लेन्स, मैदानी जो क्षेत्र है उनके बारे में। जो प्लेन्स हमारा है, मैदानी क्षेत्र है, इन मैदानी क्षेत्रों में हम लोग क्या है आपको मैदानी क्षेत्रों में हम लोग कहते हैं, तो क्या है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हम लोग खेती की उपज करते हैं, अनाज उगाते हैं और उससे क्या हम अपना व्यवसाय भी करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे इसे बताना चाहेंगे जो मेन हमारा संसार का सबसे बड़ा जो मैदानी क्षेत्र है वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स है जो इंडिया में है। और यहाँ पे क्या इस मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हमें ये लाभ होता है कि यहाँ पे नदियाँ जो है पर्वतों से जब पानी आता है नीचे तो नदियाँ अपने साथ बहा करके बहुत सारे खनिज पदार्थ मिनरल्स जो तत्व लाते हैं जो हमारी पृथ्वी में आकर के मिलने के कारण क्या पृथ्वी को और ज़्यादा अधिक उपजाऊ बना देती है, जिससे हमारे यहाँ अच्छी खेती भी होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेन्स, मैदानों का क्या महत्व है, प्लेन्स जो है अपने साथ मैंने आपको बताया ना कि नदियाँ जब आती हैं तो बहुत सारी जो है खनिज पदार्थ लेकर आती हैं, जिससे मिट्टी हमारी क्या बहुत ही उपजाऊ होती है और ये हमारे जो खेती के लिए एग्रीकल्चर के लिए जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके बाद डेजर्ट है हमारा, डेजर्ट में बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा डेजर्ट एरिया रेगिस्तानी एरिया ये हमारे दोनों गोलार्धों में मतलब कि आपका उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के बीच में बसा हुआ है डेजर्ट एरिया। यहाँ पे क्या है सबसे सघन बारिश होती है, मतलब कम बारिश होती है, इन बारिश के वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हमारा सहारा का जो मरुस्थल है जो पाया जाता है वो है सहारा और कालाहारी जो डेजर्ट हमारा, वहाँ पर सबसे कम बारिश होती है जो कि उसकी बारिश की मात्रा 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के दर से होती है, जिससे क्या यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खेती उपजाऊ वहाँ पे नहीं हो पाती है। फिर इसके बाद है आपका रिवर्स एंड वैलीज, जो घाटियाँ नदियाँ हमारी है, तो जो हमारे यहाँ आप
जाती हैं, जिससे क्या है कि इरिगेशन मतलब सिंचाई के कई साधन बनते हैं जाकर के। और ये जो धाराएं वो आती हैं और आने के बाद जब इधर उधर बढ़ जाती हैं तो ये धाराएं आकर के वैली का रूप ले लेती हैं क्या घाटियों का, और ये घाटियां जो है कटाव के कारण इसमें क्या बी आकार की घाटी बन जाती है, ठीक है। तो और काफी क्या गहराई ले लेती है और बी आकार की घाटी का रूप ले लेती है। अब इसमें जो आपके जो घाटियों का रूप ले लेती है और काफी गहराई से हो जाती है, तो इनमें क्या है तीन लेयर बन जाती है जाकर की आपकी, पहले आपकी अपर कोर्सेस होता है, फिर मिडिल लेयर, इसके बाद लोअर मतलब की सबसे ऊपरी लेयर, फिर इसके बाद मध्य वाली, फिर इसके बाद क्या है निचली वाली। जो अपर लेयर हमारी होती है ये स्टेज जो होती है फॉर्मेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इससे अपने साथ ये क्या है जो ये नदियाँ जब आती है घाटियाँ बनती है तो क्या है कई सारे चैनल्स बनाती हैं और ये मुख्यतः क्या नदियों का निर्माण करती है। इसके साथ मिडिल वाली जो होती है ये सेकेंड स्टेज पे होती है हमारी, और ये हमारे नदियाँ जो आती है और क्या नदियाँ हमारी जो होती है वो माउंटेन से आती है और आकर के क्या मैदानी क्षेत्रों में फैल जाती है, जिससे क्या है यहाँ पे आने के बाद ये बहुत सारा क्या है वाटर बॉडीज पानी इकट्ठा कर लेती है यहाँ करके, और आने के बाद क्या है ये घुमावदार, आप अपनी बुक की फिगर में भी देख सकते हैं कि किस तरह जो पहाड़ों से आकर के सबसे ऊपरी लेयर, फिर मिडिल, फिर इसके बाद लेयर, ठीक है लोअर सॉरी, तो किस तरह से ये आकर के और बी आकार की घाटी उसमें आपको दिखा रहा है कि किस तरह की बी आकार की घाटी जो हमारी इस तरह बन जाती है आकर के, इस तरह आकर के बन जाती है जाकर के ये बी आकार की घाटी का आकार ले लेती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। तो ये बी आकार की घाटी का रूप ले लेती है आकर के, ठीक है। इसके बाद हमारा लोअर प्रोसेस आता है, लोअर में जब ये थर्ड स्टेज हमारा होता है, इस स्टेज में क्या है जो नदियाँ बहुत ही धीरे गति में आती हैं, जब सबसे नीचे आ जाएंगी तो क्या है बिल्कुल धीरे गति में आते हैं, स्लोली मोशन में आकर के, और क्या है ये आने के बाद क्या पूरे मैदान में पूरे प्लेस में फैल जाती है, और फैलने के बाद जो है इसका एक बहुत बड़ा भाग बन जाता है। अब जब लैंडफॉर्म पे आपके पानी आ जाएगा तो वो आने के बाद क्या है अब तो पृथ्वी जब सतह पे आ गया तो सभी जगह फैल जाएगा, फैलने के बाद जो है ये सारी जो पानी जब सतह पे आता है तो ये कई तरह का रूप ले लेती है, जिसमें कि आपकी लेक बन जाती है, कई सारी झीलें बन जाती, सी समुद्र बन जाता है, और जो कि ये हमारे क्या है जो जितने डेल्टा वाले क्षेत्र होते हैं तो फार्मिंग करने के लिए खेती किसानी करने के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। बच्चों ये चैप्टर जो आपको पढ़ा है इसकी रीडिंग आप लोग घर में करेंगे, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सो प्लीज कॉन्टेक्ट योर क्लास ग्रुप। ओके थैंक यू।